कानपुर से बड़ी खबर, पलायन करने का आरोप लगाने वाले राकेश अवस्थी के खिलाफ की प्रेस वार्ता। पीड़ित ने बयां किया अपना दर्द, परिवार जमीन खरीदने के बावजूद भी नहीं बनवा पा रहा अपना मकान, रह रहा किराए पर। पीड़ित का आरोप, गलत तथ्य दिखाकर मेरे ऊपर कराई गई कार्रवाई। पीड़ित ने बताया कि मैं खुद राकेश अवस्थी के आतंक के चलते पलायन करने को मजबूर। मुख्यमंत्री से लगाए न्याय की गुहार। आज की प्रेस वार्ता किस लिए करी है, क्या है मामला? जो राकेश अवस्थी ने डीसीपी साउथ में मेरे खिलाफ पलायन करने लगा कि मुस्लिम समुदाय के दबाव में मैं पलायन कर रहा हूँ, जबकि वो ये वास्तविकता नहीं है, ये निराधार है। इन्होंने दो प्लाट मुझको बेचे थे, दो प्लाट की जो रजिस्ट्री करी और उसमें मुझको कब्जा नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद जितने भी प्लाट इन्होंने बेचे हैं टोटल मुसलमानों को बेचे हैं और मैं किराए पर रह रहा हूँ, तो मेरा उत्पीड़न हो रहा है। मैं पलायन के कगार पर हूँ क्योंकि मैं अपना मकान नहीं बना पा रहा हूँ। मोदी जी और योगी जी सरकार में सबका साथ सबके विकास की बात हो रही, लेकिन ये मोदी जी और योगी जी को बदनाम करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ एक आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों के कारण राकेश अवस्थी ये कह रहे हैं कि मैं प्लान कर रहा हूँ, जबकि प्लान मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़मीन खरीदने के बाद मैं मकान का निर्माण नहीं करा पा रहा हूँ और मैं किराए पर रह रहा हूँ। मेरे बीवी बच्चे दहशत में हैं, इनके गुंडे बंदूक लेकर आकर मुझको मारने की धमकी देते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मोबाइल में है। और क्या किस तरीके से क्या सर और क्या प्रताड़ित करते हैं? और मुझसे 20 लाख रुपए गुंडा टैक्स मांगते हैं कि 20 लाख रुपए दीजिए तभी मैं आपको वहाँ पर निर्माण कराने दूंगा। अभी 30 अक्टूबर को जो ये आरोप लगा रहा है कि मैं इनका मकान बनने से रोक रहा हूँ, वो इनका मकान नहीं बन रहा है। इन्होंने 30 अक्टूबर को एक रजिस्ट्री शादाब अली के नाम करी, शादाब अली निर्माण करवा रहे हैं, उसमें नफीस अहमद कोई भी रोक लगाने नहीं जा रहे और ना ही कुछ करने जा रहे निर्माण। बोलते रहो, अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, मेरा मकान बचे बने। और ये इन्होंने जो डीसीपी साउथ के दिया था उसमें मेरे खिलाफ पुलिस ने 151 कार्रवाई की है, जो बिल्कुल अनुचित है। इसलिए हम आपसे चाहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे साथ न्याय हो, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे परेशान हैं और इसीलिए मैं आज। जो आरोपी हैं वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं क्या? वो एक आरोप सामने देख के बात करिए। वो बताते हैं कि मैं भाजपा का नेता हूँ और मैं भाजपा का नेता हूँ, इस सरकार में तुम्हारा कोई कुछ नहीं हो सकता है, मैं जो चाहूँगा वही होगा, मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। इससे संबंधित मामले को आपने कहीं किसी पुलिस वाले? इससे पहले मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल में दिया था और डीसीपी को भी, एसएसपी कमिश्नर साहब को दिया था, जिसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इन अपराधियों के खिलाफ सरकार निष्पक्ष रूप से जाँच कराने के बाद उचित कार्रवाई करे, जबकि ये मेरे ऊपर जो ब्लेम लगाते हैं कि मेरे पास मैंने 1100 गज जमीन में कब्जा कर रखा है, जबकि मुझे 200 गज का बयानामा किया जिसे का इन्होंने पूरा रुपया मुझसे प्राप्त कर लिया है, उसमें मुझको निर्माण नहीं कराने दे रहे, तो पलायन के कगार पर मैं हूं साहब, ना कि ये। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।